प्रार्थना। यहाँ पर प्रस्तुत प्रार्थना में एक माता अपने श्रेष्ठ बालक के अवतरण एवं श्रेष्ठ विकास के लिए कुदरत के पास आशीर्वाद मांग रही है। उसकी बहुत ही सरल और सहज भाषा में अभिव्यक्ति है, मानो जैसे वह माँ के हृदय की ही आवाज़ है। जब माता अपने आने वाले बालक के लिए प्रार्थना करती है, तब अपने बालक का चित्र माता के मन पर स्पष्ट हो जाता है और बार बार इस प्रार्थनाओं के पुनरावर्तन से यही चित्र वास्तविकता में परिवर्तित होता है। प्रार्थना से माता के अंदर एक शक्ति का प्रवाह बहने लगता है, जैसे परमाणु में से ऊर्जा प्रकट होती है, ऐसे ही प्रार्थना से आध्यात्मिक ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा प्रकट होती है। प्रार्थना माता को इस ब्रह्मांड की महानतम शक्ति के साथ जोड़ती है। प्रार्थना से माता का मन विनम्रता, कृतज्ञता और समर्पण के भाव के साथ ईश्वर के प्रति और भी खुलता है। हमें विश्वास है कि इस प्रार्थना के शब्द माता के भाव जगत को ज़रूर ही स्पर्श करेंगे और यह प्रार्थना को सुन के ब्रह्मांड की अतुट शक्तियों पर माता का विश्वास और भी दृढ़ हो जाएगा। माता के मन में बालक का कल्पना चित्र और भी स्पष्ट हो जाएगा और कृतज्ञता के भाव से एक माता का जीवन नए स्तर को स्पर्श करेगा। खिलतु पुष्प पुस्तक जो गर्भवती माताओं की प्रार्थनाओं का समूह है, उसमें से यह प्रार्थना हम आपके साथ आज शेयर कर रहे हैं। इस प्रार्थना के हर एक शब्द को एक श्रद्धा और कृतज्ञता के भाव के साथ सुने। आज का पूरा दिन इस प्रार्थना से सर्जित भाव जगत के साथ बिताए। हर एक माता को एक श्रेष्ठ बालक की अमूल्य भेंट प्राप्त हो, ऐसी अभ्यर्थना के साथ आज की प्रार्थना सुनते हैं। हे ईश्वर, आपके निराकार स्वरूप को हम हमारे भीतर साकार स्वरूप में देखना चाहते हैं। हमारे माध्यम से आपके परम स्वरूप का अंश इस पृथ्वी पर अवतरित हो। उनके अवतरण के द्वारा आपकी दिव्यता को पोषने का अवसर हमें मिले। आपके दिव्य अंश के स्पर्श द्वारा निर्मल होने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो। हमारे भीतर आपके बाल स्वरूप की शुद्धता और पवित्रता को देखने का अवसर हमें मिले और उसके द्वारा आपके अस्तित्व के निरंतर दिव्य क्रम का हिस्सा बनने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो। ऐसी हमारी प्रार्थना स्वीकार करें।